भाई मैं आपको अंकल जी के कुछ पुराने फोटोग्राफ दिखाता हूँ। ये कब का फोटो होगा जी अंकल जी? ये सन है 85 का। जी जी 85 का। तो ये साइड में आपको कौन दे रहे हैं इनाम? ये उधर को ये खरीबा जो रख रहा। जी जी ये सिल्ड देखते होंगे। देखो भाई काफी पुराना फोटो लग रहा है ये तो। हाँ। ये लगभग उस टाइम पे कितनी एज होगी? 85 का है। 85? नहीं 85 का, सन 85। सन 85 का है। उस टाइम पे आपकी एज कितनी थी? जैसे मतलब मान के चलो उस टाइम ऐसी होगी 28-27। 28-27 साल के आसपास। देखो भाई और एक फोटो मैं यहाँ देख रहा हूँ जी, ये कब का होगा? जैसे बहुत पुराना फोटो जी, ये वाला ये उसको होगा 82 का। 82 का। तो इसमें आपका शरीर ऐसा लग रहा है जैसे दारा सिंह जी से थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा। ये देखो भाई इस टाइम पे एज कितनी हुई? 63 साल। अच्छा अच्छा। तो जैसे बात की जाए तो कितनी मान लो तो जैसे उठक बैठक जैसे मतलब बांध के चलो तो कितनी लगभग उस टाइम पे? पैदल जागरूक है डेली। कितने किलोमीटर बैठा है जैसे मतलब कितने किलोमीटर होगा जैसे? कितने यहाँ से लगभग मान के चलो कितना दूर है भैया? कितनी दूर होगा? 20-25 चले जाओ तो जी दौड़ के डेली जागरूक है। वो ये अपना सुबह उठते होंगे आप 3 बजे उठ के दौड़ मारने चले जाओ हैं? जी जी। तो उसके बाद अपना फिर आकर दूध वगैरह पीते होंगे? अच्छा अच्छा अच्छा। पुशअप कितने मार लो जैसे मतलब? मतलब उठक बैठक तो ये तो 1000 बैठक मारी 2500 डेली की। 2500 डेली की? देखो भाई 2500 डेली की मारी थी बैठक, ये सबसे बड़ी बात है। देखो भाई तो सबसे बड़ी बात है जी, आज के टाइम पर नहीं लगनी है जी किसी पे। 2500 लगातार मार दे तो देखो भाई 1000 रस्से पे चढ़ जाओ करते। ये है भाई आज का राजगरी नाम है भैया इसका। अच्छा नाज ले आयो। अच्छा अच्छा थोड़ा सा भैया दिखाओगे अभी? देखो थोड़ा सा चला के दिखाओ भैया थोड़ा सा। अभी उसमें चल रहा भाई वायरल हो रहा है अभी इंस्टाग्राम पे, आपने वीडियो भी देखी होगी इसकी। तो यही वही आज कर रहा है ये, आज का नाम रखा है इसका क्योंकि भाई फर्स्ट आवा है हर जगह। ठीक है भाई, भाई इधर को घुमा रहा है इसको। ठीक है और यहाँ पे आपको दिखाएगा हमारा भाई, ये देख सकते हैं आप सभी। ये देखो भाई तो थोड़ा सा दिखाओ भैया। देखो एक भैया वही ले आए। ठीक है इसका क्या नाम रखा भैया इसका? इस वाले का क्या नाम है? इसका भी कोई नाम रखा जैसे मतलब? बुर्ज खलीफा ना, बादल रखो इसका नाम। बादल बादल रख दो, बादल बादल जैसा ही रंग है इसका, बादल ही रख दो। अच्छा अच्छा अच्छा। ये देखो भाइयों ये घोड़े हैं। तो भैया शादी वगैरह में जाते होंगे? शादी वगैरह में है ना? अच्छा अच्छा। बुर्ज खलीफा किंग कॉन्ग रखो सबसे बढ़िया। ये देखो दोस्तों और थोड़ा सा भैया दिखाएंगे अभी आपको नचा के। ठीक है जी दिखा दो जी अंकल जी, तब भी दिखा दो थोड़ा सा करके। ये देखो भाई अभी अंकल जी भी दिखाएंगे जी। ये देखो भाई जोड़ी है जी, बिल्कुल जयवीर वाली जोड़ी है भैया। तो जयवीर वाली कैसे बजेगा फिर? इसकी उम्र है हमारे की इसे देखने वाला यही कह रहा है कि 8-10 साल को लगे, 6-7 साल को लगे, पर लेकिन इसकी उम्र जो है ना 19-20 साल के करीब हो रही है। 19-20 साल के लगभग इतना थमरा है। हाँ ये तो है भैया। तो देखो भाईयो देख सकते हैं भैया ने जानकारी दी। देखो ये देखो भाई अभी ये दिखाएगा, अभी नखरी कर रहा है थोड़ा सा, अभी देख रहा है क्या हो रहा है। देखो भाई दरअसल हल्को बहुत नाचता है। अच्छा अच्छा। अभी ये तो कम उम्र का है अभी है ना? कम उम्र का नया ये तो है, इसे नचा नहीं रहे। अच्छा अच्छा। तो अभी सीख जाएगा, जल्दी सीख जाएगा। अभी ज्यादातर वीडियो जो तुम्हारी वायरल गई है मिलियन में गई वो यहीं पे गई है, यही फेमस हुई है। ठीक है जी आपके पिताजी भी नचा के दिखा दे जैसे मतलब नचा देंगे अभी। देखो भाई पिताजी आ लिए है दोस्तों, डेढ़ दो महीने। अच्छा अच्छा। तो इनकी तो बुकिंग होती होगी भैया, जैसे भैया शादी वगैरह में भैया हम आपके घोड़े चाहिए ना? हाँ जी जी। टाइम भी ना मिलता मैं दो रहे। अच्छा अच्छा अच्छा। इतनी बुकान लगी इनकी तो? देखो भाई अजगर तो है ही वाके में। और देखो इधर साइड में एक और भैया के पास में, और भी लाओगे इसके अलावा? और भी घोड़े लाओगे? बस अपना दो ही, दो ही बहुत है। तो दोस्तों देख सकते हैं और अभी जी जी कहेंगे थोड़ा सा आपके सामने चाके दिखाते हैं। बड़ा ये देखो भाइयो, ये देखो शेर को वाके में भाइयो, इसीलिए फेमस है अजगर। ठीक है ये देखो भाई, ये देखो भाई, और भैया ये देखो भाई, ये देखो भाई,
ठीक है जी, ये देखो भाई, ये देखो भैया कहना पूरा मानता है। देखो भाई, ये देखो भाई, ये देखो भाई, ये देखो जी, ये देखो भाई, ये देखो दोस्तों, ठीक है जी, ये देखो भाई। और आप भी करके दिखा दोगे जैसे, मतलब आप भी कर लेते हो जैसे आपको ही। दोस्तों अब अंकल जी करके दिखाएंगे जी, ये देखो दोस्तों, ये देखो भाई, ये देखो, ये देखो जी, मुझे बांधे जी, ये देखो जी, ये देखो जी, ये देखो जी, ये देखो जी, ये देखो, ये देखो भाई, इस टाइम गर्म हो चुका है पूरा। ये देखो भाई शेर, ये देखो, ये देखो जी, ये देखो, ये होते भाई अपने अपने ठाट, किसानों का ठाट, ठीक है जी, ये देख लो जी, ये देखो भाई, ये देखो जी, ये देखो, ये देखो जी, ये देखो, ये देखो, ये देखो जी, ये देखो अजगर को, ये देखो भाई मजा मान दे, ये देखो भाई जी। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, मजा आ गया भाइयों वाकई में। अच्छा अच्छा जी जी, कल पकड़ो परसों पकड़ो, तेरे पसीनो चमका, पसीनो आज तेरे फिर होगा। अच्छा अच्छा, भाप से निकले तो बब्बा जी वो भी ला रखा इसका, जैसे बांधने वगैरह घुड़सवारी करने वो भी ला रखा, जैसे मतलब पेट के वो बांधा है जैसे वो। अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी, अच्छा अच्छा। तो देखो भाइयों जी जी, किसी तरफ पैर फंस गया जी जी, सही कह रहे, सही कह रहे, ये बात सही कह रही है भाई। अच्छा अच्छा जी 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 जी, तो जैसा इसमें बैठ के घुड़सवारी नहीं कर लो तुम, सिंपल ही है, नहीं कर लो। अच्छा अच्छा, नाचने का है, अच्छा अच्छा, तो ये नाचने की कोशिश करेगा। अच्छा अच्छा, एक दिन में हो जाएगा सेट अगर। अच्छा अच्छा, तो मतलब जैसे बाहर जा रही है मतलब आसपास के, तो भैया हमारे यहाँ ले आओ, थोड़ा सा बुकिंग वगैरह आनी स्टार्ट हो गया ना। दोस्तों भैया का मैं एक बार नंबर दे दूंगा आपको, एक बार भैया से आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। मुझे भाइयों वाकई में मजा आ गया भैया ने, बहुत बहुत शुक्रिया भैया आपने दिखाया हमें, ठीक है जी। ये देखो भाई, और आपका तो कहना पूरा ईमानदार जी है। अच्छा, इसकी डाइट की बात करूँ तो डाइट में क्या क्या देते हो, थोड़ा सा बताइए हमारे किसान भाइयों को, जैसे खाने पीने में क्या क्या देख रहे हो भैया से। जी जी, चने, हाँ जी हाँ जी, जी जी वही बात है जी, इनका खाया पिया मतलब बहुत अच्छी तरीके से रखना पड़ा इनका खान पीन। जी जी, तेल तो हमारे 24-12 महीना चलता है। जी जी, ये देखो भाइयों, और पहले जो शौक रहा जी घोड़ों का, तो है पहले से ही 30 साल हो गए जी, रखते रखते जी घोड़े, ठीक है जी। ये देखो भाइयों, और ये देखो अजगर नाम रख रखा इसका, ठीक है जी, ठीक है। ये कितने एक दिन का होगा जी भैया, ये वाला कितने दिन का होगा, 2.5 साल का ये है। अच्छा अच्छा, तो अभी इसको कम आता है ना, कम आता है इसको, पर ये भी अभी हो जाएगा तैयार है, ठीक है जी। ये देखो भाइयों, ये भी भैया मारवाड़ी में ऐसा लग रहा थोड़ा थोड़ा ना। अच्छा अच्छा, तो दोस्तों आज इन्होंने हमें समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया भैया का। और देखो भाइयों, ये हमें आपको नचा के भी दिखाया, बढ़िया नाश्ता जी, ठीक है जी। ये देखो भाइयों, जब तक है जी ऊपर बैठे के भी नजर। अच्छा, हो जाएगा जैसा, एक करके दिखा दोगे थोड़ा सा। अच्छा 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 अच्छा, कहाँ से कह रहे, वही बात है। अच्छा अच्छा, तो दोस्तों मतलब अभी भैया बता रहे कि काफी दिन हो गए इसे, लेकिन जब डेली को प्रैक्टिस कराते हैं जब वो और बात होती है, ठीक है। ये देखो भाइयों, तो आज मजा आ गया भाइयों देख के। ये देखो भाइयों, डांस करने वाला घोड़ा, वाह देख लो तू, अंदर है, फिर बोला गो, फिर बोला गो, फिर बोला गो, शाबाश, चलो अब देखते हैं। अब ये बांधने जा रहे हैं भैया, ठीक है जी। ये देखो भाइयों, यहाँ जहाँ पे बनता है वो हम आपको जगह दिखाएंगे, ठीक है। सामने भैया का मकान है जी, ठीक है। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे बनता है अजगर, ये अजगर की जगह है, और यहीं पे देखो भाई,
चलो चलो दोस्तों, यहाँ पे अपने जो भाई है, ला तो आ थोड़ी मार दो, मतलब बढ़िया है, सीधा है। दो महीने से तो बंद है ये। अच्छा अच्छा, तो घर में मतलब एक तो इसका सुनता है भैया है, एक आपका है अंकल जी। देखो भाई यहीं पे आते हैं दोनों। अच्छा अच्छा, तो देखो भाइयों ये रहे दोनों शेयर, ठीक है जी। और भाइयों वीडियो की तरह शेयर करना, भाई की सपोर्ट करना जी। कहाँ है कूलर? यो मिला था, यो भी मिला था। देखो भाई ये रहा कूलर, वो ये गोड़ी से मिला था, अजगर को तो मिला था, यो अजगर को मिला था भाई। कूलर ये रखा जी, यो चला अंकल जी, अंकल जी चला कूलर आज भी। अच्छा, तो दोस्तों देख सकते हैं ये डेयरी बना के खवाते हैं इसको, ठीक है जी। देखो भाई और डाइट पे तो मतलब जी महीने का खर्चा मान के चलो कितना आ जाता होगा, जैसा है इनका घोड़ों का तुमका 1000 से तो पर ही होगा। हाँ जी 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 जी, एक दिन का देखो भाई 300-400 रुपए तो एक दिन का इनके खर्चा आ जा। देखो भाई ये इस प्रकार के लिए जाते हैं, ठीक है। बढ़िया तरीके से करते हो घोड़ा तुमको? जी जी, देखो भाई इसमें मिला के ऐसे अंकल जी रोज तैयार करते हैं। देखो भाई बड़ी मेहनत का काम है, और ये अपने से ज्यादा ख्याल इन घोड़ों का रखते हैं ना बब्बा जी। देखो भाई अपने से बहुत अच्छे तरीके से रखने पड़े जी अंकल जी। और ये देख सकते भाइयों, और भैया सुबह के टाइम भी लेके जाते हो जैसे मॉर्निंग टाइम में घुमाने के लिए सड़क वगैरह पे ना अंकल जी आप भी? जी 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 जी, दोस्तों इनके जो बड़े बुजुर्ग है ऐसे कहते हैं कि सावन सावन में नहीं मतलब लगाम लगानी चाहिए, ठीक है। ये देख सकते हैं भाइयों, और जी जी ये तो है। तो सब तरह के घोड़े रखे हैं बब्बा जी ने, हैं बब्बा जी? सभी तरह के रह लिए हैं, सभी नस्ल के ज्यादातर है ना। कितने आ लिए? ये देखो भाइयों ज्यादातर सभी नस्ल के आ लिए, और पंखा इनको लगा रखा है घोड़े इनको थोड़ा। अच्छा, तो यहाँ पे पंखा चलता रहता है घोड़े की तरफ का? गर्मी बहुत लगेगा जी घोड़ों की, ये तो है जी गर्मी बहुत लगती है इनको। इनका तो भैया ऐसा है अपनी तरफ ख्याल रखना पड़ा, जैसे अपने अपने अपना। हाँ जी हाँ जी हाँ, आदमी जैसे आदमी का ख्याल रखना पड़ा है ऐसे इनका भी रखना पड़ा है भाइयों, इतनी तो लगेगी जी। और देखो भाइयों भैया ने दिखाया इसका डांस, बढ़िया लगा, वाकई मजा आ गया भाइयों, ठीक है। ये देख सकते हैं ये कूलर है, ये मिला था जी, आज भी चल जाओ भैया। यो मिला था, यो जीत के लाया था जी अजगर। देखो भाई आज भैया जी एक पल्ली ओडा खाओ, आपको दिखाया, हमने आपको दिखाई दिया भाई। घोड़े में ज्यादातर बीमारी बंदगी लगती है यू। जी जी ये तो है, बाजी बाजी समझो ऐसा खुले रखने चाहिए, पहली बात तो खुले में रहवा घोड़ा। देखो भाई सबसे बड़ी बात, और देखो भाई जी जी शाम को कर दो। हाँ शाम को पर जी जी, तो शाम के टाइम भी देख रहे हो जैसे बना के मतलब शाम को दिए जाएंगे। अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगा। और अभी मैं आपको अंकल जी के कुछ पुराने फोटोग्राफ दिखाता हूँ। ये कब का फोटो होगा जी अंकल जी? ये सर है 85 का। जी जी 85 का, तो ये साइड में आपको कौन दे रहे हैं इनाम? ये उधर को ये खरीबा जो रख रहा। जी जी ये सील्ड देता हूँ अभी। देखो भाई काफी पुराना फोटो लग रहा है जी, तो ये लगभग उस टाइम पे कितनी एज होगी? 85 का। सन 85 का है। उस टाइम पे आपकी एज कितनी थी जैसे मतलब मान के चलो? 28-27 साल के आसपास। देखो भाई और एक फोटो मैं यहाँ देख रहा हूँ जी, ये कब का होगा जैसे? बहुत पुराना फोटो जी ये वाला। ये उसको होगा 82 का। 82 का, तो इसमें जो आपका शरीर ऐसा लग रहा है जैसे तारा सिंह जी से थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा। ये देखो भाई इस टाइम पे एज कितनी होगी? 63 साल। अच्छा अच्छा, तो जैसे बात की जाए तो कितनी मान लो, तो जैसे उठक बैठक जैसे मतलब बांध के चलो तो कितनी लगभग उस टाइम पे? पैदल जाकर होते डेली कितने किलोमीटर बैठा है जैसे मतलब कितने किलोमीटर होगा जैसे? यहाँ से लगभग मान के चलो कितना दूर है भैया, कितनी दूर होगा? 20-25 चले जाओ जी दौड़ के डेली जाकर होते। वही अपना सुबह उठते होंगे आप 3 बजे उठ के दौड़ मारने चले जाते हैं? जी जी, तो उसके बाद अपना फिर आकर दूध वगैरह पीते होंगे? अच्छा अच्छा अच्छा, पुशअप कितने मार लो जैसे मतलब? मतलब उठक बैठक तो ये तो 1000 बैठक मारी, 2500 डेली की। 2500 डेली की? देखो भाई 2500 डेली की मारी थी बैठक, सबसे बड़ी बात है। देखो भाई तो सबसे बड़ी बात है जी, आज के टाइम पर नहीं लगने जी किसी पे 2500 लगातार मारते तो
देखो भाई हो रस्से पे चढ़ जाओ करते। तो दोस्तों तो आपके गांव में आज भी अखाड़ा है जैसे, मतलब है आज भी जब पहले था अखाड़ा? अच्छा, तो आपने आपने बनाया होगा अपने खेतों में, वहीं पे आपने प्रैक्टिस करते होंगे ना? अच्छा, उन्होंने बनवाया था। देखो दोस्तों उस टाइम पे अखाड़ा भी था, वहीं पे प्रैक्टिस किया करते थे और अपना सारे भी लेके जाया करते। तो आपका ग्रुप रहता होगा जी साथ साथ में, है ना? मतलब अचानक सी बीच में, मतलब हाँ जी हाँ जी, ढालिया। अच्छा, अखाड़े में जाओगे, अब देखेंगे अब इनके बारे के नारे करेंगे। फिर उसके बाद आपने सोचा कि मुझे भी शरीर बनाना अपना आप, है ना? फिर तो पूरी तैयारी हो गई, आजमगढ़ तक भी गए। अच्छा, आजमगढ़ तक भी जा लिए जी। देखो भाइयों बहुत दूर दूर तक गए हैं और हाँ जी हाँ जी 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 जी। तो मेरठ साइड में इधर सब आस पास सभी क्षेत्रों में तो चले गए आप, है ना? सभी मतलब जी 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 जी। अच्छा, नौकरी का ऑफर भी मिला तुम्हें उस टाइम पे आर्मी में जाने का है? देखो भाई उस टाइम पे नौकरी में जाने का ऑफर भी मिला था, बट इन्होंने कहा था कि मुझे तो पहलवान नहीं करनी है अपना, यहीं रह के गांव में रह के, और उन्होंने वो प्रस्ताव ठुकरा दिया था, वरना तो आज इंडियन आर्मी में होते जी आप। हैं हाँ जी हाँ जी 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 जी। तो जी उस टाइम पे भी ऐसे हिसाब था जैसे कोई बढ़िया है, मतलब स्पोर्ट्स लाइन में या पहलवानी लाइन में, तो उसे नौकरी मिल जावे थी, है ना? हाँ। तो मतलब बढ़िया होना चाहिए वो, उसकी तंदुरुस्ती हाँ। बढ़िया हो, अल्लम में ठाड़े का दिखावा, है ना? जी 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 जी। मैंने जी बड़े बुढ़ो से सुना जी, हमें तो देखो इतना पता नहीं, जैसे बताते आए वे लोग कह रहे थे जो उस टाइम पे भर्ती ऐसे हो जाकर थे, लंबे ठाड़ा होना चाहिए लड़का, लंबे कद का और हट्टे कट्टा हो, मजबूत हो, सही बात है जी? स्पोर्ट्स में ले जाओ ना। अच्छा, स्पोर्ट्स में चले जाते उस टाइम पे? जी जी। तो दोस्तों देखो बहुत ही अच्छी जानकारी दी, और कुछ फोटो थे जो मैंने आपको दिखाए, इनके जवानी के फोटो देखो, ये ऐसे दिखते थे, ठीक है जी? देखो भाई, तो भाइयों बहुत ही अच्छा लगा, और इन्हें किसान योद्धा सलूट करता है दिल से, और भाइयों आपको भी कुछ सीखने को मिला होगा। तो अंकल जी आप जैसे आज की बात करिए, तो मतलब जैसे घोड़ा है आपके पास, मैंने देखा है, तो उस पर बैठ के चले जाते हो जैसे घुड़सवारी, चले जाओ? देखो भाइयों उसको नचा भी देते हो जैसे नाच भी लेता है। तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो जी जी जी। तो और जैसे मतलब कहीं दूर लेके जाना पड़ जाए घोड़ा, ऐसे भी चले जाओगे? हैं, गाड़ी से? अच्छा अच्छा। तो भाइयों आज मैं आया था, अंकल जी से मिला, और अपना सादगी का जीवन व्यतीत करते हो, गांव में रहकर सिंपल वो देसी खाना है जी। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा और बहुत अच्छे विचार लगे हैं अंकल जी के, तो बहुत बहुत शुक्रिया अंकल जी, किसान चैनल के लिए समय निकाला आपने, तहे दिल से शुक्रिया। तो भाइयों राम राम जी, नमस्कार जी, मिलते हैं जी इसके सेकंड पार्ट में।